नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल 360 ज्ञान पर स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से हमारे शिक्षक भाइयों को निर्वाचन कार्य से मुक्त करने के संबंध में एक आदेश आया है। उसी आदेश को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप मेरे चैनल 360 ज्ञान पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, छात्रों की परीक्षा नज़दीक आते ही राज्य शिक्षा केंद्र ने शिक्षकों को निर्वाचन कार्य से मुक्त करने के संबंध में एक आदेश निकाला है। उसी आदेश को मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आदेश में लिखा है, प्रति कलेक्टर समस्त जिला विषय शिक्षकों को निर्वाचन कार्य से मुक्त करने के संबंध में। संदर्भ दोस्तों आप देख सकते हैं, लिखा है मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन का पत्र क्रमांक F150CS18 भोपाल दिनांक 14/12/2018 के 18 के संदर्भ में दोस्तों यह आदेश आया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ, उसके विषय अंतर्गत संबंधित पात्र के क्रमांक में लेख है कि वर्तमान अकादमिक सत्र मार्च 2019 से समाप्त होने जा रहा है तथा बोर्ड परीक्षा में अन्य परीक्षाओं में बहुत है। उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत कृपया चुनाव कार्यों में संलग्न समस्त शिक्षकों को तत्काल उनकी मूल संस्थाओं हेतु भार मुक्त करने का कष्ट करें। यह भी सुनिश्चित करें कि शिक्षकों को किसी भी अन्य गैर शिक्षित कार्य में संलग्न नहीं किया जाए। आइरिन सिंथिया जेपी संचालक राज्य शिक्षा केंद्र की दो ओर से दोस्तों आदेश आया। इससे होगा कि जो हमारे विद्यार्थी भाई हैं जिनके सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए, शिक्षकों को ओनली उनकी पढ़ाई पे ही जोर देना है। जिनमें चुनाव निर्वाचन में उनकी ड्यूटी लगी है, उन सबको हटाकर ओनली शिक्षकों को अपने जो स्टूडेंट हैं उन पर ध्यान देना है। इसी के विषय में आदेश आया। और इससे जुड़ी जो भी एजुकेशन पोर्टल शिक्षा विभाग से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आती है वो मेरे चैनल पर आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड दूसरों के साथ शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।